नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आई एम ले चलते हैं आपको स्वरूपगंज थाना, जहां पर एक फर्जी दुल्हन बनाकर ठगी के मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है जो वांछित मामले में फरार चल रहा था। आपको बता दें कि पूर्व में एक ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें फर्जी दुल्हन बनकर किसी जरूरतमंद को फंसा कर उससे शादी करवाने का मामला था, जिसमें समय समय पर दबिश देकर दुल्हन सहित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। लेकिन मुख्य अपराधी जो इसका सरगना था वो फरार चल रहा था, वो मंडार थाने का स्ट्रीटर बताया जा रहा है और उसे मंडार पुलिस की सहायता से स्वरूपगंज पुलिस ने उसके घर से ही लोहे के बक्से में छुपे व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जिले भर में वांछित अपराधी और फरार व नशे के व्यापार पर रोक लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक अभिलाष टांक व मिलन जोया के निर्देशन पर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्वरूपगंज थाना प्रभारी छगन डांगी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें एएसआई राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल श्रीमती सुमन राठौड़, कांस्टेबल बाबू सिंह देवड़ा और तकनीकी सहायक कांस्टेबल छगन लाल ने कार्य को अंजाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।